एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य का खेल क्या अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है? क्या आलोक मौर्य के संगीन इल्जामों के बाद अब योगी सरकार कार्रवाई का हथौड़ा चलाने वाली? निजी जिंदगी में पति पत्नी के रिश्तों में पेंच जब फंसते हैं तो मामला कब कहां उल्टा पड़ जाए ये गारंटी नहीं। पीसीएस ज्योति मौर्य के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। आलोक मौर्य के आरोपों के जवाब में ज्योति मौर्य दहेज उत्पीड़न की बात कहती हैं। ये केस कोर्ट में चल रहा है लेकिन यहाँ सवाल पति पत्नी की निजता का नहीं है। मामला काले धन के उस कथित खेल का है जिसका खुलासा होने के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। जांच में आरोप सही पाया गया तो फिर ज्योति मौर्य की कहानी का हो जाएगा दी एंड। स्पेशल एडिशन में अपने सहयोगियों नेहा वक्ता और रेशु के साथ मैं हूं अक्षय सिंह। आज उस मामले की पड़ताल जिसने सोशल मीडिया पर हाल के सालों में छेड़ दी सबसे बड़ी बहस, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक पति पत्नी के बीच का नहीं रह गया था, ये मामला विवाहितर संबंधों से लेकर समाज का बन चुका था और अब ये मामला इन सबसे परे काली कमाई का। फेसबुक वाला प्यार काली कमाई से बनता था। फेसबुक वाली दोस्ती की आस इतनी गहरी हुई कि सात फेरों वाला गठबंधन खुल गया। यूपी की एसडीएम मैम ज्योति मौर्य के मामले में ये खुलासा आलोक मौर्य का है। ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर एसडीएम के पद पर पहुंचाने वाले उनके फोर्थ ग्रेड कर्मचारी पति आलोक मौर्य आज खून के आंसू रोने को मजबूर है। समाज में तमाशा अलग बना, मामला अब कोर्ट में है। ज्योति मौर्य ने संगीन इल्जाम लगाए हैं, दहेज के लिए तंग करने का आरोप लगाया है, झूठ बोलकर शादी करने का इल्जाम लगाया है। ये तमाम आरोप अब कोर्ट की जांच के दायरे में हैं। लिहाजा अब अदालत तय करेगी कि ज्योति और आलोक के मामले में क्या सच है क्या गलत। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला यूपी से लेकर बिहार तक घर घर में चर्चा का विषय बन गया। हाल के दौर में समाज ने ऐसा कोई मामला नहीं देखा था जो इस तरह बहस और विवाद का मुद्दा बन जाए, लेकिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की घटना में ऐसा ही हुआ। समाज की तीखी प्रतिक्रियाएं आई। ज्योति मौर्य इस पूरे मामले में अपनी दलीलें देती रही, अपनी प्राइवेसी की बात कहती रही, लेकिन कोई काश उनसे सवाल करता कि आपकी प्राइवेसी तभी तक प्राइवेट है जब वो समाज को डिस्टर्ब ना करे। लेकिन एसडीएम आपके केस में ऐसा नहीं हुआ। जिसे ज्योति मौर्य अपनी प्राइवेसी बता रही है उसके चलते न जाने कितनी महिलाओं से उनके पतियों ने पढ़ाई छुड़ा दी, न जाने कितने घरों में पति अपनी पत्नियों को ज्योति मौर्य का नाम लेकर ताना देने लगे। और ये सब कपोल कल्पना नहीं है, ये सारी बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं। बिहार के जाने माने पटना के यूट्यूबर खान सर, जिनका जादू देश के लाखों छात्रों पर सिर चढ़कर बोलता है, उन्होंने खुलासा किया था कि उनके इंस्टीट्यूट से 90 से ज्यादा महिलाओं से उनके पतियों ने पढ़ाई छुड़वा दी। इन पतियों को ये डर सताने लगा था कि कहीं सब आगे चलकर ज्योति मौर्य ना बन जाए। कभी कभी ऐसा गलती करते हैं लोग ना कि बाकियों के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। अब कौन पढ़ाएगा? पति पत्नी और वो की इस कहानी में बाद में अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ज्योति मौर्य के कई बयान आए,
मनीष दुबे से उन्हें दोस्ती का हक है, मनीष दुबे के साथ जिंदगी बिताने का हक है, उन्हें प्राइवेसी का हक है। इन तीनों बातों में कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। ये किसी भी आजाद मुल्क में हर किसी का हक है, अकेले ज्योति मौर्य के हक का सवाल नहीं। लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल जो आलोक मौर्य ने उठाए, उसका आज तक कोई जवाब सामने नहीं आया। आलोक के आरोपों से पैदा हुए सवाल किसी को भी सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। क्या इंसानियत के रास्ते पर चलने का मतलब धोखा खाना है? क्या शादी के बाद पत्नी को पढ़ाना लिखाना अपराध है? क्या पति का पत्नी के साथ रहने की उम्मीद करना बेईमानी है? इस बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये पति और पत्नी का आपसी मामला है और आपसी मामले में किसी तीसरे को बोलने का हक भी नहीं। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ आपसी नहीं रह गया है, बल्कि कई और सवाल हैं जो आलोक मौर्य के आरोपों के बाद सामने आए हैं। आलोक के हवाले से जो खबरें आई उनके मुताबिक साल 2020 से पहले सब ठीक था, लेकिन 2020 में होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे से ज्योति मौर्य की फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई। इसी के बाद बात बिगड़ती चली गई और आलोक की घर गृहस्थी बिखरती चली गई। आलोक के आरोप 2020 में ज्योति की जान पहचान गाजियाबाद में तैनात जिला कमांडेंट होमगार्ड से हुई। दोनों में बातचीत होने लगी। हमें लगा चलो अधिकारी है, बातचीत तो करनी ही पड़ती होगी। लेकिन 2022 में एक बार घर के मोबाइल में अपना फेसबुक लॉगिन करके ज्योति भूल गई। दोनों के बीच अश्लील चैट हुई थी। इसे देखकर मेरा माथा ठनका। विरोध किया तो लड़ने झगड़ने और जेल भेजने की धमकी देने लगी। आलोक का दावा है कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को उसने 22 दिसंबर 2022 को होटल मैरियट लखनऊ में रंगे हाथ पकड़ लिया था, फिर सफाई देने लायक कुछ रहा ही नहीं। आलोक के मुताबिक जब उसने विरोध किया तो दोनों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। आलोक का दावा है कि किसी तरह वो जान बचाकर भाग सका। खैर, कहानी यहाँ तक जो थी सो थी। उसमें निजता का सवाल भी था, अश्लील चैट्स का भी मामला था जिसे कई चैनलों ने दिखाया भी, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई। लेकिन हमने पत्रकारीय उसूलों का निर्वहन करते हुए कभी ज्योति और आलोक के मामले में निजी डिटेल्स को खंगालने नहीं गए। लेकिन अब जो मोड़ आया है वो सिर्फ निजी नहीं बल्कि जिम्मेदार पद पर बैठी एक अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार का है, और यही वो कड़ी है जिसमें ज्योति मौर्य फंसती दिख रही है। पीसीएस ज्योति मौर्य के लेन देन की जाँच के आदेश जारी हो गए हैं। प्रयागराज कमिश्नर को 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। दरअसल आलोक मौर्य ने एसडीएम बीवी की कथित कारगुजारियों की एक डायरी पेश की थी। इस डायरी में आलोक का दावा था कि ज्योति की काली कमाई का हिसाब किताब है। हर महीने एसडीएम मैडम लाखों की वसूली करती थी, ये आलोक मौर्य के इल्जाम है। अब यूपी सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और जांच शुरू हो गई है। समय सीमा, अब चीजें जांच करने में समय सीमा अति शीघ्र किया जाएगा। तो क्या बोर्ड एक बनाया गया है बकायदे इसके लिए? समिति बनाई गई है। समिति सदस्य उसमें मैं अध्यक्ष हूँ और एडीएम प्रशासन और एक एसीएम जयजीत कौर सदस्य। नियुक्ति विभाग ने पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। आलोक मौर्य ने अनियमित लेन देन संबंधी ज्योति के खिलाफ शिकायत की थी। अब प्रयागराज कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने आदेश मिलते ही जांच कमेटी बना दी है। प्रयागराज के एडीएम प्रशासन और एसीएम फर्स्ट को जांच कमेटी में रखा गया है। ज्योति मौर्य अपने पति आलोक मौर्य से विवाद के बीच पहली बार 7 जुलाई की शाम लखनऊ में लोक भवन पहुंची थी। ज्योति मौर्य ने उच्च अधिकारियों का अपना जवाब बंद लिफाफे में दिया, इसके बाद कार में बैठकर लौट गई। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। 15 दिन में जब रिपोर्ट आएगी
तभी ये साफ हो पाएगा कि एसडीएम मैडम के खिलाफ लगे संगीन आरोप कितने सच हैं। इस बीच आलोक मौर्य के लिए भी कड़ा इम्तिहान है। ज्योति मौर्य ने प्रयागराज के धूमनगंज थाने में पति आलोक, उनके भाइयों और भाभी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में ज्योति का बयान दर्ज किया जा चुका है, जबकि दूसरे पक्ष से उनके पति और अन्य नामजद लोगों का बयान दर्ज होना है। इसके बाद से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच का विवाद सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। लोग तरह तरह के मीम्स और पोस्ट वायरल कर ज्योति को टारगेट कर रहे हैं। धूमनगंज कोतवाली के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि जल्द ही आलोक मौर्य और अन्य नामजद आरोपियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल ज्योति मौर्य बरेली में एक शुगर मिल की जीएम है। ये पूरा मामला पति पत्नी और वो का ही रहता, लेकिन नया मोड़ तब आ गया जब 100 पेज की एक डायरी सामने आई है। ये डायरी खुद ज्योति के पति आलोक ने मीडिया में सर्कुलेट की। आलोक का दावा है कि डायरी में ज्योति हर महीने वसूली से मिलने वाले रुपयों का लेखा जोखा लिखती थी। डायरी में दर्ज हिसाब किताब ने ज्योति ने हर महीने 6 लाख रुपए अवैध तरीके से कमाए हैं। फिलहाल ज्योति के पति आलोक के दावे सच हैं या नहीं, ये तो जांच के नतीजे ही बता सकेंगे। प्रयागराज में पंचायती राज विभाग में तैनात आलोक मौर्य ने जो डायरी दी है, उसमें हर पेज पर ऊपर और नीचे स्वास्तिक बना हुआ है। ऊपर शुभ लाभ लिखा है, इसके बाद हर महीने कहां से और किस काम से कितना पैसा मिला, इसका हिसाब किताब भी लिखा हुआ है। आलोक ने दावा किया है कि ये हैंडराइटिंग ज्योति की है। प्रशासन चाहे तो इसकी जांच भी करा सकता है। ज्योति कौशाम्बी के चायल तहसील में 2019 से 2021 के बीच तैनात थी। डायरी में इस दौरान भ्रष्टाचार से मिलने वाले रुपयों का हिसाब किताब लिखा है। अगर अक्टूबर 2021 की बात की जाए तो सिर्फ एक महीने में ज्योति ने 6,40,000 रुपए अवैध रूप से कमाए हैं। इसमें ये भी लिखा है कि हर महीने 15,000 रुपए सप्लाई इंस्पेक्टर और 16,000 मार्केटिंग इंस्पेक्टर देते हैं। हर पेज पर महीने के हिसाब से भ्रष्टाचार का हिसाब किताब, कहां से कितना रुपए मिला, कहां खर्च किया, सभी दर्ज हैं। आलोक और ज्योति की शादी साल 2010 में हुई थी। शादी से एक साल पहले 2009 में आलोक पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में बहाल हुआ था। आलोक ने शादी के बाद ज्योति को पढ़ाया लिखाया और सिविल सर्विसेज की कोचिंग भी कराई। 2015 में ज्योति का सिलेक्शन हो गया। लोक सेवा आयोग से महिलाओं में ज्योति की तीसरी रैंक और ऑल ओवर 16वीं रैंक थी। परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे। 2015 में जुड़वा बच्चियां हुई। 2020 तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन पति पत्नी की इस हैप्पी स्टोरी में वो की एंट्री ने पूरी कहानी बिगाड़ कर रख दी। दर्शकों, आप भी अगर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस पूरी कहानी में अगर आप ज्योति मौर्य के साथ हैं तो जस्टिस फॉर ज्योति हैशटैग के साथ लिखें। अगर आलोक के समर्थन में हैं तो जस्टिस फॉर आलोक लिखें। स्पेशल एडिशन में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद यूपी के 100 शहर की पब्लिक बोलेगी, ज्योति मौर्य के मामले में राज खोलेगी।